इस्मान साहब जा रहे हैं अभी गाड़ी लाने के लिए, मैच का इंतजाम हो रहा है और हम जो है वो बड़ी LCD का जो है वो इंतजाम कर रहे हैं। अभी तकरीबन एक हो गए, अभी 5 से 6 घंटे हैं, तो एक्साइटमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा है कि जो है अभी से हम जो है वो इंतजाम वगैरह कर रहे हैं। बड़ी LCD जो है लाएंगे और यहाँ पे जो है वो इंशाल्लाह बड़ा मेला लगाने की कोशिश करेंगे। हम दोनों जा रहे हैं अभी जो है वो बड़ी स्क्रीन, बड़ी जो है वो LED का इंतजाम वगैरह करने के लिए। ये LCD वो पहले छोटी LCD थी जहाँ पे हम पहले मैच देखा करते थे, तो अभी हमने सोचा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच और पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह, तो ये बड़ी जो है वो LCD जो है उसका इंतजाम किया जाए। मैच से पहले बड़ा मैच, HD लगनी नहीं लीड। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम यार, कैसी है सब? आई होप ऑल आर गुड। तो काफ़ी अरसे से व्लॉग नहीं बनाया, तो आज आखिरकार जो है वो हमने कमबैक किया है, और कमबैक भी जो ऐसे किया जैसे पाकिस्तान इंशाल्लाह रात को कमबैक करेगा अगेंस्ट इंडिया। आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2021 का मैच है, तो आई होप पाकिस्तान जो है वो आज जीतेगा, तो उसी जीत को जो है वो इंजॉय करने और सेलिब्रेट और जो है वो इंतज़ाम वगैरह करने की कैसे हम मैच देखेंगे पाकिस्तान वर्सेज इंडिया का, तो जो आज जो है ये व्लॉग है रिलेटेड अबाउट दैट है। तो अभी हमने जो है वो LCD जो है वो का अरेंज किया है थोड़ी सी बड़ी, और बाहर जो है वो LCD लगा दी है ताकि अच्छे तरीके से हम बैठ के जो है वो मैच को एंजॉय कर सकें और इंशाल्लाह पाकिस्तान को जिता सकें और दुआएं कर सकें। पाकिस्तान जीत गया तो जी क्या बने हो? अगर पाकिस्तान मैच जीत गया इंशाल्लाह कड़ा पा लेंगे। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, थोड़ी देर बाद गेम स्टार्ट। तो ये लड़के वगैरह यहाँ पे देख रहे हैं मैच अभी बांग्लादेश और श्रीलंका का, तो पाकिस्तान का इसके बाद मैच है, तो क्या फीलिंग है आपकी, कौन जीतेगा? टॉस हो गया, कोई परेशानी? अभी 7:15 हो गए और टॉस हो गया, पाकिस्तान जो पहले बॉलिंग करेगा, तो आई होप पाकिस्तान जीतेगा। और पाकिस्तान की तरफ से जो मेरे इस टाइम जो मुझे लग रहा है वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे वो बाबर आजम, रिजवान, फखर जमान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग में शाहीन जो है इंशाल्लाह हमारा हथियार, और इंडिया की तरफ से जो है वो KL राहुल से मुझे जो है वो काफ़ी खतरा है। तो आई होप मैच अच्छा हो और मज़ा आए और पाकिस्तान जीत जाए। सर कोई मार गया मारने गाड़ी
छिका मारना सी यार फर्स्ट इनिंग होगी और इंडिया ने 152 स्कोर का टारगेट दिया। शाहीन अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने शुरुआत में ही इंडिया के प्लेयर्स को दबोच दिया। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये मैच जीत जाए। मोहम्मद ऑन फायर Babar on fire right now. Classy Babar for us. This is Classy Babar. If you don't know who's this best man, best. If you don't know who this guy, this is number one in ODI, number two in T20. पाकिस्तान और मैं उधर लिया चौका बाबर यू ब्यूटी बाबर यू ब्यूटी वो सहज तो जैसे तुझे गुटियाँ नहीं देखो भाई तू उस बिल्डिंग अभी से वीडियो लग मार रहे हैं जैसे ले आ ले बोलना थे रहने This is four from Brazil. Boy, man, I'm the match is won. Okay, bro. Come on. Come on, okay, It's only a journey though. Same again, Ali. Journey in a tournament.
achieved as we've been telling you. It's been that's LB's going everywhere. This is a tall man trying to. तो सीन ये हुआ है कि पाकिस्तान ने इंडिया को जो है वो शिकस्त दे दी है, और शिकस्त भी जो है वो नॉर्मल शिकस्त दे दी बहुत ही बुरी, यानी कि 10 विकेटों से इंडिया को हरा दिया है और पाकिस्तान जीत गया है और सब लड़कों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और तो ये था व्लॉग जो क्रिकेट के रिलेटेड था, और इसमें मेरे ख्याल से जो है वो कोई अच्छा व्लॉग मैं नहीं कर सका, यानी कि कोई अच्छी तरीके से बोल नहीं सका, या क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो क्रिकेट मैच में था, ज़्यादा ध्यान उधर था, तो इस वजह से व्लॉग में जो है वो उस तरह की जो है मैं एफर्ट नहीं कर सका। लेकिन आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच तो रात को ख़त्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान की सेलिब्रेशन और जीत की खुशी वो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है बॉस। अभी हमारा काम यही है 2 से 3 हफ्ते कि पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो हाइलाइट्स देखें और याद करें कि कैसे पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है। और अभी भी जो है मैं हाइलाइट्स देख रहा हूँ और यही ऐसा लग रहा है कि ये फिर लाइव मैच है और जो है वो पाकिस्तान फिर से जीत रहा है, ये बहुत ज़्यादा खुशी है। और थैंक यू पाकिस्तान टीम और बाबर आजम और शाहीन रिजवान, और बहुत ही खुशी का जो है दिन है आज पाकिस्तान में क्रिकेट लवर्स का। थैंक यू सो मच, पाकिस्तान जिंदाबाद।